गाइस एसबीआई क्लरिकल का जो एग्जाम होता है वो लगभग 12 से 14 शिफ्ट में होता है। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो क्वांट में अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो गाइस, वैसे तो केवल क्वांट में चुनिंदा टॉपिक्स हैं, लेकिन क्या होता है कि क्या हमें सारे पढ़ने हैं या हमें चूज ही यहाँ पर बनना है। तो देखो, प्रिलिम्स की अगर मैं बात करूं तो प्रिलिम्स में एक अरिथमेटिक पोर्शन ऐसा होता है जो 10 मार्क्स का होता है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लगभग 6 क्वेश्चंस आपको किन किन टॉपिक से मिलेंगे। बाकी आपके पेपर में डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आप सभी को पता होगा कि नियर अबाउट 2 TI हमारे पेपर में आती हैं, तो अगर 3 भी आ जाती हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर फिक्स पैटर्न नहीं है। कई बार हमने देखा है कि 2 TI तो नियर अबाउट प्रिलिम्स में आजकल पूछी जा रही हैं। तो बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, टेबुलर DI हो गया आपका, ठीक है, और या तो केसलेट हो गया, किसी ना किसी शिफ्ट में ये DI आपके टकराएंगे। तो आपको DI बहुत अच्छे से डीप में पढ़ना होगा। दूसरी चीज क्या है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको ये नहीं पता कि आपका पेपर कौन से शिफ्ट में होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको करने हैं, और क्वाड्रेटिक इजी है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप पहले फेज में इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। लेटर ऑन आप ये भी देख कर जाओ कि जो मिसिंग नंबर सीरीज है और आपके जो रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसमें से कोई भी एक सेक्शन आपकी शिफ्ट में पूछा आएगा, ये हो जाता है। इसके बाद आपके जो 10 अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको कौन कौन सा करना है। देखो गाइज, मैं आपको बताऊं सीक्वेंस क्या फॉलो करना है। पहले आप परसेंटेज करो, रेशियो करो, प्रोपोर्शन कर लो, ठीक है। इसके जस्ट बाद में फिर आपके गिने चुने सारे टॉपिक परसेंटेज से लिंक्ड होंगे। आप प्रॉफिट लॉस करोगे, परसेंटेज का यूज होगा। SICI करोगे, परसेंटेज का यूज होगा। टाइम एंड वर्क करोगे, परसेंटेज का यूज होगा। ये 3 कर लो। इसके बाद में जो आपका पार्टनरशिप है ये कर लो, फिर आप एजेस कर लो, ठीक है, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लो। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि यार मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत वास्ट है, हम कैसे इसको कवर करेंगे, तो 2D वाला पोर्शन एटलीस्ट कर जाओ। उससे आपके ये जो मैं आपको टॉपिक कर रहा हूं, उससे आपके 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक आप बना लोगे एग्जाम में, अगर इनके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो, ठीक है। देखो कई बार इसमें अगर मैं SBI क्लरिकल प्रीलिम्स की बात करूं तो पेपर में जो लेवल है वो इजी रहता है, बहुत कंपोजिट क्वेश्चंस नहीं आते। एक ही क्वेश्चन में 4 लाइन लिखी है और आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाना है, सिंपल आपको 2 लाइन 1 लाइन में क्वेश्चन दिया होगा और आप उसको बना पाएंगे। लास्ट ईयर जो आपका 2021 में जो पेपर हुआ था जुलाई में, उसमें आपकी 12-14 शिफ्ट हुई थी और मैंने पेपर को बहुत ही डीपली देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि 2 DI जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल की, एक बार ग्राफ आ गया तो एक आपका टेबलर आ रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशन जो है वो वहां पर देखने को मिले। और कंपोजिट DI नहीं कि मतलब ऐसी DI आपने सॉल्व करी होंगी कि एक टेबल दे रखी है, पैरेलल पाई चार्ट दे रखा है, उन दोनों को हमने बनाया, तो वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में लास्ट ईयर तो नहीं थे, ठीक है। तो सिंगल सिंगल DI आती है और आप उनको इजिली कर सकते हैं, तो आप इस कॉम्बिनेशन में अपने क्वेश्चन को बनाओ तो आपको काफी बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा। और एक चीज और है जो मैं यहां पर मिस कर रहा था, वो था सिंपलीफिकेशन एप्रोक्सीमेशन। तो कई सारे ऐसे शिफ्ट आएंगे जिसमें आपके 5 नंबर के सिंपलीफिकेशन एप्रोक्सीमेशन या फिर आपको क्वाड्रेटिक देखने को मिलेंगे। अब ये नहीं पता कौन सिफ्ट में पेपर है, तो आप सिंपलीफिकेशन एप्रोक्सीमेशन को भी करो और क्वाड्रेटिक भी करो, क्योंकि पेपर अलग अलग वेरियंट में है, तो आपका पता नहीं कौन सिफ्ट में पेपर हो जाए, तो आप चीजों को वहां पर अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हम आगे फिर मिलेंगे, और आपका अगर कोई सवाल है क्वांट से रिलेटेड तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू।